Assalamu alaikum, my dear students. This is your English teacher, Ms. Mehak Fatma from Sir Sayyid Children's Academy. And this is your third lecture of grade 6. Before telling you that what we will study today, let's just do an activity. What you have to do, you have to identify, okay? I know I have already done matching for you, but you can also do it by yourself, okay? Ahmed is running slowly. Who's running slowly? Oh yeah, the last one. Okay, Aisha speaks loudly. Who's speaking loudly? The third picture. He came yesterday. Who's coming somewhere? Who's just like walk or something? The first one. My father answered a call angrily. Who's angry? Who's answering a call angrily? The second picture. Good job, students. अच्छा, ये activity करवाने का reason क्या था? ये जो सारी चीज़ें थी, slow चलना, slowly running करना, बहुत ज़ोर से बोलना, कल आया था and call को answer किया but angrily, ये सब क्या है हमारे पास? These all things are actually describing समथिंग. यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो किसी ना किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है. फॉर सपोज ये जो स्लोली है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? यस, रनिंग को. ये जो स्लोली है, ये किसको, कौन स्लो है, क्या स्लो है, उसकी रनिंग स्लो है, ठीक है. आयशा स्पीक्स लाउडली. आयशा की स्पीकिंग कैसी है? लाउडली. तो ये जो लाउडली है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है. ये जो यस्टरडे है, ही केम यस्टरडे. यस्टरडे किसको मॉडिफाई कर रहा है? केम को. वो कल आया था, ठीक है. उसके आने को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कल आया था. आंसर्ड अ कॉल एंग्रीली. एंग्रीली मतलब गुस्से में. लेकिन गुस्से में क्या हुआ? आंसर किया गया कॉल को, एक आंसर किया, लेकिन वो बहुत गुस्से में किया. इसका मतलब ये जो गुस्सा है, ये अपने आप में कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ये किसी एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है. तो ये सब मॉडिफिकेशंस क्या कहलाती हैं? एडवर्ब्स कहलाती हैं. व्हाट इज़ एन एडवर्ब? एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज एन अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब्स जो होते हैं आपके पास, ये सिर्फ वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करते, वर्ब को ही डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बल्कि ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करते हैं और अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं. इसका मतलब कि जब एक वर्ब को कोई चीज़ डिस्क्राइब करे, दैट इज एडवर्ब, उस एडवर्ब को भी कोई चीज़ और डिस्क्राइब करे, वो भी एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, और अगर कोई चीज़, कोई वर्ड एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द वन वो डिस्क्राइब दी नाउन. जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो क्या हो जाएंगे? वो एडवर्ब्स हो जाएंगे. एंड आंसर्स द क्वेश्चन बिलो. और इन क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, ठीक है. हाउ, कोई काम हुआ है तो वो कैसे हुआ. हाउ, हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा हुआ या कितनी मरतबा हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी बताते हैं. व्हेन, कब हुआ वो काम. वेयर, कहाँ हुआ वो काम. ये जो चीज़ें बता रहे हैं, यानी ये आपके पास वर्ब को डिस्क्राइब करें, ठीक है. जो भी चीज़ वर्ब को डिस्क्राइब करे, या किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे, या किसी अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, वो आपके पास एडवर्ब कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय प्लेज द ड्रम्स लाउडली. बॉय जो है वो ड्रम्स को बहुत ज़ोर से बजा रहा है, ठीक है. हियर वी हैव कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है और एडवर्ब को. अब जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है. ओके गर्ल्स, सो हियर फॉर सम मोर एग्जांपल्स फॉर यू. द फर्स्ट वन इज, डॉग्स डोंट यूजुअली वॉक बैकवर्ड्स, ठीक है. डॉग्स जो है वो यूजुअली बैकवर्ड वॉक नहीं करते हैं. तो दे आर सेइंग द सेम थिंग कि यूजुअली अब किसको यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है? वॉक को. वॉक क्या है? एक एक्शन, एक वर्ब है, ठीक है. द सेकेंड इज, फॉर्चुनेटली एलेक्स रिकॉर्डेड जॉर्ज विन, ठीक है. फॉर्चुनेटली क्या होता है? मतलब खुशकिस्मती होना, फॉर्चुनेटली, ठीक है. तो दे आर सेइंग फॉर्चुनेटली क्या किया, खुशकिस्मती से क्या हुआ, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है. तो जो रिकॉर्डेड है
वो मॉडिफाई किसको फॉर्चुनेटली किसको मॉडिफाई कर रहा है, रिकॉर्डेड को, ठीक है. ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडिली. ग्रीडिली किसको कहते हैं? ग्रीडिली मतलब सेल्फिशली, या आप कह लें कि बहुत ग्रीडिली, मतलब बहुत सेल्फिशली, किसी और का सोचे बगैर, ठीक है. तो उसने यहाँ पे किसका सोचे बगैर चॉकलेट का केक को यूज़ किया उसने, ये क्या हुआ? यहाँ पे जो खाया है उसने, जो एट है, ही एट द चॉकलेट केक ग्रीडिली, वो जो एट को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, वो क्या है? ग्रीडिली, ठीक है. ही क्लीन्स हिज सेल फोन वंस अ वीक. क्या काम क्या हो रहा है यहाँ पे? क्लीन हो रहा है, ठीक है. क्या, कौन क्लीन हो रहा है? फ़ोन, सेल फोन क्लीन हो रहा है, ठीक है. कब हो रहा है क्लीन? हमने जब पढ़ा था अभी पीछे ही के आंसर करता है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे किसको आंसर कर रहा है कि व्हेन, तो अ वीक, ठीक है. हर वीक वो अपने फ़ोन को क्लीन करता है. ही डजंट यूजुअली गो टू वर्क बाय बस. यहाँ पे यूजुअली किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है? गो. गो इज़ अ वर्ब. द बेबी वेंट इनडोर्स. इनडोर्स टेलिंग अस द प्लेस, और वेंट मतलब जाना, ठीक है. तो वेंट इज अ वर्ब एंड इनडोर इज एडवर्ब विच इज मॉडिफाइंग वर्ब वेंट. द बस इज मूविंग वेस्टवर्ड. वेस्टवर्ड यानी वेस्ट साइड पे बस जो है वो मूव कर रही है, तो वेस्टवर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मूविंग को. एंशियसली दे रिटर्न्ड होम बिकॉज दे फॉरगॉट द की एट होम. एंशियसली किसको बोलते हैं? मतलब रेस्टलेस या बेचैन होना, बहुत तेजी में, जल्दी में, ठीक है. तो वो परेशानी में घर वापस आए. अब यहाँ पे किसको एंशियसली डिस्क्राइब कर रहा है? रिटर्न को, ठीक है. एज ही वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस ही क्विकली क्लोज द डोर. जैसे ही वो घर पहुँचा उसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया. अब यहाँ पे जो तेज़ी से है, क्विकली, किसको मॉडिफाई कर रहा है? क्लोज को, ठीक है. हर सेंटेंस को पढ़ के खुद से क्वेश्चन कीजिएगा कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, ताकि आपको उसके आंसर्स मिलते रहें, ठीक है. कुड यू रेयरली वाटर द फ्लावर्स. रेयरली मतलब कभी कभार हो गया, रेयरली हो गया. तो यहाँ पे किसको कह रहे हैं? वाटर. वाटर क्या मतलब? पानी नहीं, यहाँ पे वाटर इज यूजिंग एज अ वर्ब कि क्या तुम यूजुअली रेयरली कभी कभार वाटर, पानी को, फ्लावर्स को पानी देते हो, ठीक है. सो हेयर एग्जाम्पल्स, आई नो कि दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू आउट. ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत हेल्प करेंगी. ओके, सो हेयर योर होम टास्क इज, आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा. एडवर्ब्स के मीनिंग्स और कहाँ एडवर्ब को यूज़ करना आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है. सो होमवर्क, इंस्ट्रक्शंस फॉर योर होमवर्क इज, मेक अ प्रॉपर टाइटल पेज ऑफ योर ऑफ एडवर्ब्स. आपको अपनी कॉपी में एक प्रॉपरली टाइटल पेज बनाना है एडवर्ब का. डू एक्सरसाइज ए इन योर ग्रामर ट्री. एक्सरसाइज ए जो है आपके पास, इसे ग्रामर ट्री में कीजिएगा, पेज नंबर 128 पर है. And do exercise B, page number 129 in your English language copy. और जो 129 की exercise है, B, exercise B, आप उसे copy में करेंगे, ठीक है. Write page number of book exercise in your copy as well, ठीक है. आप book exercise की copy के page, book exercise के page number copy में ज़रूर लिखिएगा. Okay, here your title page is, do not forget to write date, ठीक है. Exercise A, which is on page number 128, you have to do in book, ठीक है. Fill in the blanks with the correct adverbs from the box given below. Some of the words can be used multiple times, ठीक है. कुछ words जो हैं वो काफ़ी दफ़ा भी यूज हो सकते हैं, सही. अच्छा, the words are given in word bank, you can take help from it, ठीक है. The first sentence is, He dash understands your position. अब आपको हर सेंटेंस को समझना है और उसके बाद उसको आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, खुद से कोशिश कीजिएगा. I know I have done this for you, but आप ट्राई कीजिएगा कि इसे खुद से करें, ठीक है. ओके, द सेकेंड सेंटेंस इज, इट इज डैश वेरी हॉट इन जून इन सरगोदा. ही हैज नॉट रिटर्न डैश हिज विजिट इन जनवरी. दे डैश सेंड क्रिसमस प्रेजेंट्स टू एन ओल्ड Age home. Fifth, he is rich dash to buy a car for himself. Sixth, I shall dash visit you when I come to Islamabad next. Seventh, dash she would not cope with science. She took humanities for class 12. Eighth,
ही वर्क हार्ड डैश कुड नॉट पास क्लास मैट्रिक इन ऑनर्स 9 शी विजिट्स हर पेरेंट्स डैश 10th आई नो देम डैश 11th आई हैव नॉट सीन सच अ थिंग डैश 12th डैश स्टडिंग यू कैन गो एंड प्ले 13th शी सिंग्स डैश 14th यू कैन सिट डैश इफ यू लाइक 15th शी सर्च्ड फॉर हर पेन बट कुड नॉट फाइंड इट डैश 16th वेयर डोंट यू टेल द स्टोरी डैश व्हाई डोंट यू टेल द स्टोरी डैश ठीक है आपको इनके आंसर्स लिखने होंगे इन योर बुक इसके बाद एक्सरसाइज ए के जो 4 है 16 के बाद 17, 18, 19, 20 ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ ठीक है खुद से करने की कोशिश कीजिएगा ओके नाउ एक्सरसाइज बी व्हिच यू विल डू इन योर कॉपी अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपको इन सेंटेंसेस में से अंडरलाइन करने हैं एडवर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन स्टेट वेदर द एडवर्ब मॉडिफाइज व्हाट द एडवर्ब मॉडिफाइज एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है यानी एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है या किसी अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ठीक है दे हैवंट येट रिटन बैक ठीक है यहाँ पे आपके पास येट जो है आपके पास एडवर्ब है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है रिटन को और रिटन क्या है वर्ब इसी तरह से अगर आप सेकेंड सेंटेंस पे देखें शी स्टिल हैज टू कम्प्लीट हर वर्क मैंने ये एक्सरसाइज आपके लिए की हुई है बट ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ ठीक है द समर्स हेयर आर जनरली वेरी हॉट द बेबी वेल्ड लाउडली शी विल कम सून द थीव क्वाइटली एंटर द हाउस दे आर ऑलवेज लेट कम हेयर एंड सिट डाउन ठीक है यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे काम किए हुए हैं बट यू विल ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ थैंक यू स्टूडेंट्स आई होप दिस थिंग इज क्लियर इन योर माइंड सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल